हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो आज हम आपको अयोध्या का नाइट व्यू दिखाते हैं कि राम मंदिर कैसे दिखता है और क्या यहाँ पर प्रोग्रेस है, अभी अपडेट क्या है राम मंदिर का। तो चलिए, हम यहाँ पर आ चुके हैं राम पथ पर, जहाँ पर हम भगवान श्री राम की जन्मभूमि जाने के लिए एंट्री करते हैं। ये गेट है सामने और यहाँ से हम एंट्री करेंगे। तो अभी शायद यहाँ से बाइक वगैरह जाती है अंदर, चलिए ना। काम चल रहा है। तो ये नाइट व्यू है अयोध्या राम पथ का। यहाँ पर आपको बगल ही पानी पीने की व्यवस्था दिख जाएगी और सामने दान काउंटर और आरती पास। अगर आपको आरती में शामिल होना है तो यहाँ से पास मिल जाता है और निशुल्क लाकर सेवा भी यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री राम जन्मभूमि की, और आरती पास यहाँ से मिल जाएगा आपको। तो आइए पता करते हैं आरती पास कैसे मिलता है। सर, आरती पास कैसे मिलता है? बनता है। तो दोस्तों, यहाँ नहीं बनता, बाहर काउंटर पे बनता है, यहाँ हम पता करते हैं। तो ये काउंटर अभी बंद है, शायद कोई है नहीं। और इस राम पथ पर पैदल चलने वालों के लिए व्यवस्था बनाई गई है। बारिश होती है तो भीगने का कोई डर नहीं होगा। और ये पथ पे देख रहे हैं संगमरमर के पत्थर लगाए गए हुए हैं जो आकर्षक लग रहे हैं, भव्य लग रहे हैं। लाइटिंग की व्यवस्था तो आप देख ही रहे होंगे, चकाचौंध ये अयोध्या नगरी। और चारों तरफ जो पत्थर लगे हुए हैं वो भी काफी मस्त हैं, आप देख सकते हैं। ये जो पत्थर लगाए गए हुए हैं, ये कलाकारियां जो बनाई गई हुई हैं, काफी अलग लेवल का है। और लाइटिंग देख के काफी अच्छा लग रहा है। जब ये पूर्ण रूप से बन जाएगा तो और भी आकर्षक और भव्य होगा। हम आपको नाइट व्यू दिखा रहे हैं अयोध्या जन्मभूमि से, ये राम पथ है। हमारे साथ आ जाए हैं ब्लॉगर शिवा और आशीष मौर्या, दोनों के साथ ये ब्लॉग शूट हो रहा है। तो इन्हीं के साथ, इन्हीं की मेहरबानी है और ये पूरा श्रेय इन्हीं को जाएगा, क्योंकि नाइट में पूरा गाड़ी चला रहे हैं ठंड में बेचारे। ये सुंदर जो है कार्य कर रहे हैं हमारे संजय भाई, इनको सपोर्ट करिए, प्यार दिखाइए। और अभी आप लोगों को राम पथ का मार्ग है वो आप लोगों को दिखाया जाए, किस तरीके से यहाँ पे कार्य चल रहा है, तो सारी जो है वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। लाइक करिए, कमेंट करिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए आप, ये पूरा राम पथ, काफ़ी पब्लिक यहाँ पे आ रही है, आप देख सकते हैं। जो पेड़ जो लगा हुआ है, काफ़ी लाइटें हैं, तो यहाँ पर चलते हैं लाइटों के पास। जो पेड़ लगा हुआ है, पेड़ पे लाइटें लगी हुई है, काफ़ी भव्य नज़ारे देख रहे हैं। पीछे से दिखाना चाहूँगा, ये काफ़ी आकर्षक लग रहा है, देख रहे हैं आप। तो ये श्री राम पथ जन्मभूमि के पास ही बना हुआ है पेड़। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा ये जो कार्यक्रम चल रहा है, अपडेट का, राम मंदिर अपडेट का, पथ का अपडेट का, अभी यहाँ पर मरम्मत का काम चल रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये आप राम जन्मभूमि परिसर को देख रहे हैं और सामने ही आपको दिख जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर जब बनके ये तैयार हो जाएगा तो आप यहाँ पर बाइक चेकिंग हो गया और लॉकर व्यवस्था हो गई, प्रसाद व्यवस्था हो गई, सब यहीं पर होगा वो। और ये राम पथ के बगल ही है और इस साइड में आपको दिख जाएगा वो श्री राम जन्मभूमि जो बन रही है, अभी समर रही है, नव अयोध्या भव्य अयोध्या के साथ। आइए, अगर हमें जाने को मिला तो वहाँ भी हम आपको दिखाएंगे नाइट में। तो अभी हम श्री राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे हैं और ये जो यहाँ की दीवारें हैं बनाई गई हुई हैं, ये भी एकदम पूरा भव्य बना हुआ है। सामने है पीछे अमावा राम मंदिर और यहाँ तक ही आ सकते हैं, और पुलिस वाले मना कर रहे हैं, आगे का वीडियो हम नहीं दिखा सकते आपको अभी शाम को। ये पूरा कहाँ चलोगे तुम? सुबह जो है हम लोग चलेंगे, और क्या चलेंगे, सबसे पहले सादत गंज वाले रोड पे। नहीं नहीं, सवेरे उठते हो नहाते वहाते कहाँ? अब
वहीं यहाँ आई वहीं नहा ली तो उसका यार। यहाँ सर्दियों में नहीं आते कभी आप? नहीं यार ठंडी में सही जगह है, ठंडा पानी होता है। आपकी परछाई आपका साथ छोड़ सकती है पर आपकी जान की नहीं।